हेलो एवरीवन, अविना संजेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग कॉस्टिंग का डिस्कशन कर रहे थे। मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज आपके साथ डिस्कस कर लिया, थ्योरी एंगल से, प्रैक्टिकल एंगल से, कॉस्ट शीट बनाना एक्सेट्रा। आज का जो ये वीडियो है ये डिस्कशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एग्जाम पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे। आज के वीडियो में मेरे को आपके साथ जो डिस्कस करना है वो है कुछ मिसलेनियस थ्योरी डिस्कशंस या थ्योरी पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए उतने रेलिवेंट नहीं है, बट कभी कभी इनसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आज का क्लास विल बी हल्का, सिंपल एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, बट पढ़ के जाओ, इंस्टीट्यूट के मैथ में ज्ञान दिया हुआ है, समझ के जाओ। सर कुछ कुछ पोर्शन एकदम कोर थ्योरी सर बाकी है, आंसर इज उसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। हमने जो इतना पार्ट पढ़ा है उसमें से उनके बारे में भी ज्ञान कवर हो चुका है, वो सिर्फ पॉइंट्स अगर आप रीड करोगे तो भी आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। फाउंडेशन लेवल पे मैंने जैसे आपको बोला था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क के, 8 मार्क का कॉस्ट शीट आता है, तो उसके लिए वो एकदम कोर थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहला डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 251, टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। हम लोग कॉस्टिंग वर्ड सीखे थे। कॉस्टिंग वर्ड क्या होता है? कॉस्ट को असर्टेन करने का तरीका, कॉस्ट को कंप्यूट करने का तरीका को हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। इस टॉपिक पे हम लोगों को सीखना है कि ये जो कॉस्ट असर्टेनमेंट करते हैं ये कितने टाइप्स का या कितने तरीके से किया जा सकता है। आप देखोगे स्क्रीन पर आपको 6 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग दिखाई दे रहा है। सबसे पहला यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या बोलता है? इट इज द यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस by several undertakings from common control or comparison of cost। जब बहुत सारी एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, एक मालिक है बहुत सारी एंटिटीज को संभाल रहा है, ये बहुत सारी एंटिटीज जब एक ही तरीके से अपना कॉस्टिंग कैलकुलेशंस करती है, कॉस्टिंग का प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस सेम रख के वो अपना कॉस्टिंग करती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मेनली दिस इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, जहां पे पता चल जाएगा कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक वो कॉस्टिंग टेक्निक है जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब और ऑर्डर। तो ऐसा टेक्निक जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देता है, यहाँ पर जो कॉस्टिंग होती है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कॉस्ट को सेग्रीगेट या क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी, जहां पे फिक्स कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉस्टिंग करते हैं वो हम लोग एलिमेंट वाइज कॉस्टिंग पे ध्यान नहीं देते, यहाँ हम लोग मेनली ध्यान देते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सेग्रीगेशन होता है और ये चेक किया जा सकता है कि जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है कॉस्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। It is the ascertainment of marginal cost by differentiation between fixed and variable cost. It is used to ascertain the effect of changes in volume or output on profit. Volume और output change होने से profit पर क्या effect आएगा, cost पर क्या effect आएगा, इस method of costing से आप समझ पाओगे। Next, standard costing. Standard costing क्या होता है? Standards यानी budget और actual cost को compare करने को हम लोग बोलते हैं standard costing। ये budgeted cost और एक्चुअल कॉस्ट को कंट्रोल करने का, ये कंपेयर करने का रीजन ये है ताकि हम लोग कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को आगे यूज कर सके। इट इज द कंपैरिजन मेड ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विद अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ एनी डेविएशन कॉल्ड वेरिएंस इन एज इज एनालाइज्ड बाय कॉसेस। This permits the management to investigate the reasons of these variances and to take suitable corrective action. तो standard cost में हम लोग क्या करते हैं? Compare करते हैं budgeted costs versus एक्चुअल कॉस्ट। हमने कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना खर्चा लगा है, क्यों एक्स्ट्रा लगा है, क्यों कम लगा है, उसका रीजन भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एकदम बेसिक, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट को टेक इन टू अकाउंट करके कॉस्टिंग की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे have been incurred, after they have been incurred मतलब cost incur हो चुका, उसके बाद उसका ascertainment. It aims at ascertaining cost actually incurred on work done in past. It has limited utility, though comparison of cost over different period may yield good result. तो cost लगने के बाद उसका कैलकुलेशंस वगैरह करने को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलता है कि हम लोग जब किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे हम लोग मेनली उसके सारे डायरेक्ट कॉस्ट को कवर करेंगे. जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर नहीं आएंगे, वो सारे पीएल में दे दिए जाएंगे. डायरेक्ट कॉस्ट वेदर वेरिएबल और फिक्स, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करके कॉस्टिंग करेंगे. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल एंड सम फिक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट्स, लिविंग ऑल अदर कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स in the year in which they arise. तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करके कॉस्टिंग करना इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग. ओनली डायरेक्ट कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अगेंस्ट एक दूसरा टेक्निक है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने बोला सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कंसीडर किया जाए उसकी कॉस्टिंग करते समय. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए और फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन बेसिस पे कंसीडर करना चाहिए. यानी जितना आपने एस्टिमेट किया था इनिशियली उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करोगे कस्टमर से. हम लोग कोई भी चीज का कॉस्टिंग एकदम शुरू में कर लेते हैं साल के, ताकि साल भर में जब गुड सेल करे तो उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया जा सके. तो कॉस्टिंग जब हम लोग करते हैं हम लोग को दोनों वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करना पड़ता है फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्ट्स. This differs from marginal costing where fixed costs are excluded. तो marginal costing में fixed cost exclude कर देते हैं. यहाँ पर variable cost तो आता ही है, variable cost तो आता ही है plus fixed cost भी आएगा on absorption basis. ये सारी चीजें आप इंटर लेवल पे सीखोगे प्रैक्टिकली. फाउंडेशन में सिर्फ नाम आपको इंट्रोड्यूस किया गया. एब्जॉर्प्शन बेसिस का मतलब होता है मान लो हमने साल के शुरू में डिसाइड किया था 1 लाख यूनिट बनेगा, 5 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है पूरे साल में. हमने क्या किया, 5 रुपया पर यूनिट करके फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड कर दिया कॉस्ट में और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लिया. अब 1 लाख की जगह अगर 1,20,000 यूनिट बढ़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख की जगह अगर 80,000 यूनिट ही बना तो भी कोई दिक्कत नहीं. कस्टमर से हम 5 रुपया करके ही चार्ज कर पाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस जब हमने डिटरमाइन किया था उसी बेसिस पे किया था. रोज रोज सेलिंग प्राइस चेंज करना इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, वो करने से कस्टमर आपसे दुखी हो जाएगा और कंपटीटर से गुड्स खरीद लेगा. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करो. फिक्स्ड कॉस्ट को जब इंक्लूड करोगे जितना आपने इनिशियली सोचा था आपका यूनिट्स प्रोड्यूस होगा उसी बेसिस पे आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कस्टमर से कलेक्ट कर लो. अगर आपने ज्यादा कलेक्ट कर लिया तो फायदा है, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन. कम कलेक्ट किया तो ये आपका नुकसान है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन. ये आप सीखोगे इंटर लेवल पे, अभी का काम नहीं है. तो मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में 6 बार डिस्कस की. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जहां सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करके बताना क्यों डिफरेंसेस आ रहा है. उसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग. धन्यवाद. सिर्फ वर्ड याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछता है ये सारा चीज. आगे चलता हूं. नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब हमने एक दिन एक चीज पढ़ा था, याद है, ये वाला मेथड ऑफ कॉस्टिंग. मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमने सिखाया था कॉस्टिंग मेथड्स आर दोज विच हेल्प अ फर्म to compute the cost of production or services, whereas costing techniques are those which help a firm to present the data in a particular manner. Cost calculate करना का तरीका costing method of costing, cost को present करने का तरीका are known as techniques of costing. Techniques of costing में 3 टेक्निक दिया हुआ है. पहला टेक्निक आपको दिया हुआ है marginal costing. Marginal costing में जब भी हम लोग cost present करते हैं हम लोग सिर्फ variable वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में भी पढ़ा, ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में भी आप पढ़ रहे हो, जहां पे प्रोडक्ट के कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जाती है और उसी के बेसिस पे मैनेजमेंट अपना डिसीजन मेकिंग करता है। दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। यहां पर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स यानी बजट को कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट से एंड फाइंड आउट करता है, टू फाइंड आउट वेरिएंसेस, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, कहां कहां कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, ये सारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक आपको सिखाता है। मैनेजमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग करते समय ये सारी चीज को ध्यान में रख सके। नेक्स्ट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। साल के शुरू में हर साल मैनेजमेंट बजट बनाती है कि पूरे साल में, नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से गुड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, कितना खर्चा लगेगा, कितना कॉस्ट इनकर होगा, कितने पैसे हमें चाहिए, किस दाम में हम सेल करेंगे, ये सारा मैनेजमेंट बजट बना के रखती है शुरू में और उसी के बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को डिजाइन करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत 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 जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम चाहिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से। तो तीन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब इसके बाद जो मेरे को लास्ट बात आपसे डिस्कस करना है, बिल्कुल लास्ट बात, दो वर्ड के बारे में डिस्कस करना है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? Cost control is the application of management's discretion to maintain cost within a specified limit. मैनेजमेंट हमेशा चाहेगा जो उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट लग रहे हैं, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही लगे। अगर ज्यादा कॉस्ट लगना शुरू हो गया तो मैनेजमेंट को नुकसान हो जाएगा, बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन टू मेंटेन कॉस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। Control is a management function which aims at attaining management objectives with limited resources available. Management के पास जितने resources available है, उसी के basis पे उसको काम करना है, business चलाना है and stakeholder की expectation को fulfill करना है। तो ये control technique use करके management क्या करता है, अपने cost को एक specified limit में रखने की कोशिश करता है। अब ध्यान से, cost control में क्या क्या स्टेप होते हैं? पहला, स्टैंडर्ड्स बनाना, बजट बनाना। दूसरा, असर्टेनिंग एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बनाए थे और जो एक्चुअल में हुआ है उसका क्या रिलेशन है। एनालाइजिंग दी वेरिएंसेस, अब देखो हमने जो सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। एंड एस्टैब्लिशिंग दी एक्शन दैट मे बी कॉल्ड फॉर, अगर मैं देख रहा हूं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो किस तरीके से हम लोग उन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फिक्स किया, एक्चुअल रिजल्ट डिटरमाइन किया, दोनों को कंपेयर किया एंड उसके बेसिस पे आगे डिसीजन मेकिंग करना कि कैसे काम करना है। ये कॉस्ट कंट्रोल हो गया कि कॉस्ट एक लिमिट से कभी भी ज्यादा ना बढ़े। और कॉस्ट कंट्रोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन। ध्यान से, A cost reduction program always endeavors to achieve a real and permanent reduction in cost. To achieve a real and permanent reduction in cost, कॉस्ट कंट्रोल करते करते जहां जहां पे कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। सारे कॉस्ट कंट्रोल कर पाओ, कम कर पाओ, जरूरी नहीं है। अब किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, टेम्पोरेरी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हम लोग जूट बैग्स बनाते हैं। अब जूट बैग्स को बनाने के लिए देयर आर ऑल मेनी रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड, लाइक जूट का कपड़ा चाहिए, निवार चाहिए, हैंडल चाहिए, चेन चाहिए, पुलर चाहिए, एक्सेट्रा। एक तो मैं हो सकता है ये जूट का कपड़ा, निवार वगैरह सब कुछ खरीद के लेके आऊं, उनको असेंबल करके जूट बैग बनाऊं, उनमें मान लो कॉस्ट लगता है 40 रुपया बनाने का। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, जूट का कपड़ा बाहर से नहीं खरीद के हमारे घर पे ही बनाया जा सकता है अगर हम कुछ मशीनरी वगैरह सेटअप कर ले, जिससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट 40 रुपया लग रहा है वो हो सकता है 37 36 में आ जाए, और जिससे हम लोग अगर माल बेचे उस दाम पे तो हम लोगों को प्रॉफिट, कंपटीशन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसा जो प्रोग्राम्स हम लोग अंडरटेक करते हैं, दीज आर नोन एज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। और यहाँ पे टेम्पररी रिडक्शन नहीं, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हमें चाहिए। आगे, कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट्स वेयर कॉस्ट कंट्रोल एंड्स। कॉस्ट कंट्रोल करते गए, वेरिएंसेस एनालाइज करते गए, नॉलेज आया, आप ध्यान दिया कि आप कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ रिडक्शन भी चालू करो। इट इज अ चैलेंज टू दी स्टैंडर्ड इटसेल्फ। जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि इसका इतना लगता है, इसका इतना लगता है, इसका इतना लगता है, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि अब उससे कम लग के हम लोग अपना प्रोडक्ट सर्विस बनाएंगे। तो इट इज अ चैलेंज टू दी स्टैंडर्ड इटसेल्फ। तो ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जहां पे मैनेजमेंट अपने बुद्धि को अप्लाई करके कॉस्ट को विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट रखने की कोशिश करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, एक्चुअल रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से लिखता है, फिर कंपेयर करता है, वेरिएंसेस निकालता है, और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेता है ताकि कॉस्ट एक लिमिट को एक्सीड ना करे। कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, यही करते करते मैनेजमेंट को जब ज्ञान आता है तो वो अपने कॉस्ट को रियल एंड परमानेंटली रिड्यूस करने की कोशिश करता है, जिसे कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। और ये हम लोग स्टैंडर्ड को चैलेंज कर रहे हैं कि जो पहले खर्चा लगता था अब उससे कम लगा के हम लोगों को अपना प्रोडक्ट बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डिजाइन चेंज करो, कम खर्चे में अगर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो बनाना है। फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन मेथड, जैसे मैंने बोला कि हम लोग अब बैकवर्ड इंटीग्रेट करके कपड़ा भी बनाएंगे। मार्केटिंग, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन जगह पर आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये परमानेंट रिडक्शन से आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच पाओगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाओगे। इतना कुछ मेरे को लग गया पूरा कॉस्ट के डिस्कशन में। इसके बाद अगर आपको लगता है कि बचे कुछ पोर्शन आप रीड करने चाहो, इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, आप रीड कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैंने जितना करवाया है दैट इज मोर देन अनफ फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, बुक से मैंने कॉस्ट शीट ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। पहले वीडियो में मैं बुक के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट की मैट के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कराऊंगा। फिर हम लोग लास्ट 5 टर्म के पेपर एक एक करके सॉल्व करना चालू करेंगे। तो ज्ञान वाइज कॉस्टिंग का सफर यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। बाय बाय।